हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अब शाम हो रहे हैं 4:30, तो मैं तैयार हो रही हूँ और जाऊँगी पौधे लेने। आज तो आज का ब्लॉग पौधे पे है। ये देखिए, ये रेडी होके आ गए हैं पति महाराज। तो ये बोल रहे हैं कि लेट हो रहा है, तुम लेट लगा रही हो। नहीं तो मैंने कहा भाई, थोड़ा बाहर जा रही हूँ तो थोड़ा तैयार हो जाऊँ, पौसाले जाऊँगी पौधा लेने। तो ये मैं जा रही हूँ पौधे लेने, थोड़ा सा तैयार होना भी तो बनता है। और मैं जब कहीं जाती हूँ फ्रेंड्स, तो अपना घर समेट के जाती हूँ। ये नहीं कि ऐसे कपड़े बदले तो ऐसे छोड़ छाड़ के चले गए। तो इसमें मुझे थोड़ा सा लगता है समय तैयार व्यार होने में। तो यही ये बोल रहे हैं कि तुम बहुत ज़्यादा समय लगाती हो, इतना समय नहीं लगाना चाहिए, यही बोल रहे हैं। और सारी चीज़ों को मैं अब समेट दूँगी। एक ही चीज़, बिस्तर वस्तर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। तो जब कहीं से आओ फ्रेंड्स, तो जब बिस्तर और घर साफ रहता है, चीज़ें अपने जगह पे होते हैं, तो मन प्रसन्न होता है कि हाँ भाई कहीं से आए हैं। अब कहीं जाओ माइंड फ्रेश करने के लिए और घर पहुँचो, तो सारी चीज़ें जब बिखरे दिखते हैं तो फिर मूड ख़राब हो जाए, तो फिर जाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए जब भी आप कहीं जाइए, जहाँ का चीज़ें वहाँ रखिए, ताकि आइए थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। और फ्रेंड्स, अब हम चल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं कि लेट कर रही हो तुम। और मैं अपने चीज़ों को समेटने में जुटी थी, तो जब जहाँ की चीज़ें वहाँ रख रही थी। और ये अपना गिटार बजाती हूँ, तो ये पियानो है, मैं बजा रही थी तो यही रख दी हूँ। अब चल रहे हैं बाय। और ये मैं पहुंच गई हूँ पौसाले। तो ये भैया दिखा रहे हैं कौन कौन सा पौधा है। ये सब मिर्च है, हरी मिर्च है, दिख रहे हैं। और ये है एक जोरा पौधा बोलते हैं इसको। ये सब तो मनी प्लांट है, सब सुंदर दिखने वाले पत्ते वाले फल हैं। और ये सब है देखिए, बहुत सारे अभी स्टार्ट हो रहे हैं, छोटे छोटे पौधे लगा रखे हैं। जब मैं बोली कि भैया हमें ये पौधा कौन कौन सा चाहिए, तो बोला उन्होंने कि अभी नहीं मिलेगा, 10-15 दिन बाद आ जाइए तो अच्छे पौधे मिलेंगे। तो जो तो 4-5 पौधे मैं 5 लाई थी और ज़्यादा नहीं खरीदी, क्योंकि मुझे जो पसंद था वो उनके पास था नहीं। उन्होंने कहा कि आप आइए 10-15 दिन बाद। ये है, ये भी एक जोड़ा है, ये बहुत अच्छा पीला पीला फूल खिलता है, इसमें जुप्पा जुप्पा करके एक गुच्छी बन के खिलता है। और ये रेड वाला एक जोड़ा है, वो पीला वाला था। और पीला वाला मैं अभी दिखाती हूँ, यहीं कहीं देख रखी हूँ मैं पहुँच रही हूँ वहाँ पर, तो आपको दिखाऊँगी। फूल पत्तियाँ तो बहुत अच्छे लगा रखे हैं इन्होंने, लेकिन जो हमें चाहिए था अभी वो है नहीं यहाँ पे। सब्जी कुछ चाहिए थे, जैसे हरा मिर्च के पौधा लगा देती, मैं शिमला मिर्च का लगाने वाली थी। और टिंडा मुझे बहुत पसंद है, तो मैं टिंडा भी लगाना चाह रही थी। भैया से मैं पूछ रही थी, भैया है कि नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं। ये देखिए, ये बहुत सुंदर खिलता है, एक जोरा है, ये बड़ा अच्छा फूल रहता है। ये देखिए, ऐसे गुच्छा निकल रहा है, जुप्पा जुप्पा, ऐसे बिल्कुल पत्ती नहीं दिखती इतना ज़्यादा, इसमें खिलता है, बहुत प्यारा दिख रहा है। उसके बेटे से मैं पूछ रही हूँ इसको क्या बोलते हैं, तो वो देख रही है मुझे, बता नहीं रही है क्या है ये। और मैं अब आ गई हूँ फ्रेंड्स घर पे, तो मैं अब गई हूँ छत पे, तो ये पौधे मैं लगा रही हूँ, क्योंकि रात को बारिश हो जाएगा तो फिर बहुत अच्छे से लग जाएगा, बिल्कुल इसमें सूखापन नहीं आएगा। ये प्लास्टिक थैली लगा रखा है, तो ये जल्दी निकल नहीं रहा है, देखिए कितना दिक्कत कर रहा है। और अब मैं छत से नीचे कौन जाए कि चाकू या कैंची लेने के लिए, तो मैं इसको जोर लगा लगा के निकाल रही हूँ। ये प्लास्टिक जो बोरी होती है ना, उसका है ये एक जोरा है फ्रेंड्स। ये बहुत प्यारा, जब खिलेगा तो मैं वीडियो बनाऊँगी इसका। और इसके बगल में मैंने आम लगा रखा है, ये बारहमासी आम है, ये साल में 3 बार फल निकलता है इसमें। ये फल भी लगा था इसमें, एक बार 4 फरा था, एक बार 2 और एक बार 6 फर इसमें निकला था इस तरह से। और पका भी था, मैंने पहले नहीं तोड़े, हमने सोचा कि चलो पक जाएगा तो देखते हैं कैसा होगा, पका के हमने तोड़ा था। अच्छा फल होता है। अगर आपके पास कोई जगह है लगाने का, इस तरह से बड़े गमले में लगा सकते हो, आजकल तो बड़े बड़े गमले मिल जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहता है कि चलो अच्छा एक आम का पौधा तो हमारे घर में है, नीचे तो नहीं जगह है लगाने का, सारा बन गया है, लेकिन
छत पे तो हम गमले में लगा के अपना संतोष कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारे पास भी आम का पौधा है और हमने आम अमरूद दोनों लगा रखा है। और ये इसमें हम लगाएंगे एक गुलाब है और एक कनेल का है, क्योंकि कनेल हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। गुलाब का तो मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, खैर प्यारा फूल तो होता ही है, अच्छा लगता है, बहुत भी प्यारा होता है गुलाब, तो प्यार का प्रतीक होता है। तो पर मैं इसमें इंटरेस्ट इसलिए नहीं ले रही हूँ कि मुझे पूजा करने के लिए फूल में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो गुलाब कभी उतना नहीं खिलता है, और एक दिन खिलता है तो उसको कितना दिन महीनों नहीं तोड़ो तो वो चलता रहता है, तो वो सही रहता है 100 पीस के लिए तो ठीक है, पर रोज के लिए ये कनेल अड़हुल ये सब हमें बहुत ज़रूरत है। ये मैं तीन पौधा बहुत इम्पोर्टेंट मानती हूँ अपने, मतलब अपने फूल के लिए। सिर्फ ये हमारा अड़हुल है जो हम माता को चढ़ाते हैं, बजरंगबली को, कि लाल चीज़ बहुत पसंद होते हैं तो उनको चढ़ाते हैं अड़हुल का, और दूसरा ठाकुर जी के लिए तो पीला फूल चाहिए होता तो उनके लिए मैं कनेल, इसलिए कनेल के ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हूँ कि कनेल हमारे यहाँ लग जाए, तो कनेल लगा रही हूँ। ये देखिए गुलाब है और कनेल दोनों साथ साथ है, और दो पेड़ हम गेंदा के लगाए क्योंकि उनके पास था नहीं, भैया के पास, तो वो दो ही दिए हैं। ये देखिए अड़हुल और ये है इसको चांदनी बोलते हैं, ये सफ़ेद खिलता है तो ये भोलेनाथ को पसंद है। ये तो सो प्लांट है, इसको कोई चढ़ाना बजाना नहीं रहता है, ये सुंदर दिखने के लिए लगाया गया है एक जोड़ा। और फ्रेंड्स ये देखिए मैं लहसुन लगा रखी हूँ, और ये मिर्च है, और ये हमारा अरबी का पत्ता, ये बैंगन है, बैंगन भी लगा रखे हैं, चार पौधा है। और ये मैंने लहसुन लगा रखा, वो है धनिया है, धनिया ये मेरा धनिया है, लहसुन भी इधर लग गया है, 2 कैरेट में लहसुन लगाई। ये हमारी तुलसी माता है जिनमें से मैं पत्ता तोड़ती हूँ, और ये भी छोटा वाला यही है चांदनी सफ़ेद खिलता है। ये अमरूद है फ्रेंड्स, पता है आपको इतने छोटे पौधा में कम से कम 10 kg अमरूद निकला हुआ था हमारा, और बहुत बढ़िया अमरूद निकला हुआ था। ये भी हमारा अड़हुल है, और उधर है कनेल है, तो मेरा खिलता है पर अब पुराना हो गया पौधा ना, तो उतना बढ़िया नहीं खिलता है, तो इसलिए नया लगा रही हूँ। और ये सदाबहार है, ये तो भाई सदाबहार जैसे इसका नाम है वैसे ये सदा खिलता रहता है, इसे मुझे तो बहुत प्रसन्नता होती है इसे, क्योंकि हमेशा खिलता है। एक तुलसा माता इधर भी लगा रखी हूँ। ये कद्दू है, ये अम्मा लगा रखी है, कद्दू है, मैंने लगाई, ये अम्मा लगाई है, कद्दू है। तो फ्रेंड्स